हरियाणा H9PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। खरखुदा कन्या सरकारी स्कूल में मां सरस्वती मूर्ति स्थापना के लिए 51,000। गोल्ड मेडलिस्ट छात्राओं का नोटों की मालाओं से स्वागत। शनिवार को खरखुदा के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में भोपाल से अंडर-19 कबड्डी नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल लेकर लोटी पूनम व पायल दोनों छात्राओं का समारोह करके अभिनंदन किया गया। इस मौके पर हरियाणा सरकार के चेयरमैन पवन खरखुदा ने बतौर मुख्य अतिथि स्कूल प्रांगण में 51,000 की राशि मां सरस्वती की मूर्ति स्थापना की घोषणा की व 51,000 रुपए दिए। उन्होंने दोनों छात्राओं को 1,100 रुपए से सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लड़कियां भी खेलों में निरंतर आगे आ रही हैं, यह एक क्षेत्र के लिए बहुत ही खुशी की बात है। छात्र छात्राओं को शिक्षा के साथ साथ खेलों में विभिन्न प्रतियोगिताओं में आगे आना चाहिए। इस मौके पर प्रिंसिपल नीलम दलाल ने कहा कि उनके विद्यालय की छात्राओं ने इससे पहले भी विभिन्न प्रतिभा प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। भविष्य में स्टाफ व छात्राओं से और भी ज्यादा उम्मीदें हैं। भोपाल में GNFSI के तत्वाधान में 9 से 10 जनवरी को हुई दूसरी नेशनल गेम्स 2023 में अंडर-19 महिला कबड्डी प्रतियोगिता में हरियाणा की टीम ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। खरखुदा के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की दो छात्राओं ने अंडर-19 नेशनल कबड्डी प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर प्रदेश का नाम रोशन किया है। ये दोनों लड़कियां खरखुदा की रहने वाली हैं। भोपाल में हुई चैंपियनशिप में अंडर-19 कबड्डी प्रतियोगिता के शुरुआती मैच में हरियाणा की टीम ने राजस्थान को एकतरफा हराया। इसके बाद सेमीफाइनल मुकाबले में उत्तर प्रदेश की टीम को 30-25 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इसके अलावा फाइनल मुकाबला दिल्ली के साथ हुआ, जिसमें कांटे की टक्कर में दिल्ली की टीम को 32-30 के मुकाबले हराकर गोल्ड मेडल प्राप्त किया। हरियाणा की टीम में खरखुदा और राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की दो छात्राओं जिनमें पूनम व पायल ने हिस्सा लिया था। शनिवार को खरखुदा के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में हुए अभिनंदन समारोह में प्रिंसिपल नीलम दलाल, खरखुदा नगरपालिका चेयरपर्सन कमला के पुत्र सुनील कुमार, NSS अधिकारी प्रोमिला लेक्चरर संजय कुमार, जितेंद्र सैनी, राज सिंह, सुनील कुमार सहित विभिन्न समाज सेवी इस मौके पर उपस्थित रहे। कृतिगण और उनके भाई बहन, माता पिता, चाचा चाची जो भी यहाँ पर आए हुए हैं, मैं उनका अपनी तरफ से और अपने स्टाफ की तरफ से बहुत ही हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं प्रिंसिपल नीलम दलाल कलेक्टर खोजा, मैं आप लोगों का यहाँ तहे दिल से इतना ज्यादा अभिनंदन करती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतना अच्छा प्रोग्राम और वो मेरे स्कूल में हो रहा है, ये मेरी उम्मीद से बाहर की बात थी। अभी मैं देख रही हूँ, मुझे स्टेज पर इसलिए आना जरूरी लगा, कुछ हमारे यहाँ पर जो अतिथिगण हैं वो स्टेज पर आकर लड़कियों को कुछ कहना चाहते हैं। मैं तो इसी स्कूल की हूँ, मैं बाद में भी बहुत अच्छे से इस चीज को कवर अप करूंगी। जो भी गणमान्य व्यक्ति मंच पर आकर लड़कियों का हौसला बढ़ाना चाहते हैं, मैं उनका स्वागत करती हूँ। प्लीज मंच पर आइए और बच्चों का हौसला बढ़ाइए। इतने अच्छे पावन अवसर पर, इतने शुभ अवसर पर बच्चों ने जो कबड्डी में गोल्ड मेडल जीता है, उनके सम्मान समारोह के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी, हमारे स्कूल में जब ट्रांसफर हुए थे, पुराने वाला स्टाफ गया और नया वाला स्टाफ आया, तो उसमें बहुत पहले भी बहुत अच्छा स्टाफ था, ये भी स्टाफ बहुत अच्छा है। और मेरे यहाँ जो सविता मैम, PTI मैम आए हैं, इतने अच्छे आए हैं। मैंने उनको कहा मुझे प्रोग्राम में, खेलने के प्रोग्राम में बच्चों के लिए मेडल चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है मैम। और उसका एक जीता जागता उदाहरण आप देख रहे हो, हमारे स्कूल में जगह की कमी की वजह से भी कबड्डी का एक छोटा सा ग्राउंड हमने बना रखा है, जितना हमसे संभव था। और आप ये नेट देखिए, अब क्या होता है कि जब रिसेस होती है तो हमारे बच्चे इधर उधर नहीं घूमते, उनके पास एक टारगेट होता है, हमें कबड्डी खेलना है, हमें नेट प्रैक्टिस करनी है। और इसके लिए मैं आप सब से, क्योंकि आप यहाँ के हैं, खरखुदा के हैं, हमारा ये लड़कियों का स्कूल है, कुछ जरूरतें हैं हमारी, अगर आप ध्यान से सुनेंगे और उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे, हमें बहुत खुशी होगी। मैं चाहती हूँ हमारे बच्चों को प्रोत्साहित किया जाए। कई बार हमारे स्कूल में बच्चों की संख्या कम होती है, किसी भी वजह से कम हो जाती है, तो मम्मी पापा थोड़े से अवेयर हो जाएं, नहीं बेटा रोज स्कूल जाना है, उससे हमारे स्कूल की पढ़ाई प्रभावित होती है। और खेलने के लिए जितनी सुविधा हमसे बनेगी हम उन्हें जरूर देंगे। और इस बार 2 गोल्ड मेडल आए हैं, अगली बार आपको 10 गोल्ड मेडल के साथ इसी प्रोग्राम में यहीं पर हम दोबारा मिलेंगे। और मैं
मैं ये चाहती हूँ मेरा स्कूल क्या आपका स्कूल सोनीपत में नहीं हरियाणा में नंबर वन बने, हरियाणा में। और उसके लिए आप लोगों से सहयोग की अपेक्षा है, कोई भी दानी सज्जन अपनी मर्जी से हमारे स्कूल में बच्चों का प्लेग्राउंड, बच्चों के लिए जैसे ये वाली बिल्डिंग का 3 कमरे है, बहुत हार्दिक इच्छा है हमारी यहाँ पर एक बड़ा सा हॉल बन जाए। हमारे स्कूल की लड़कियाँ इतनी टैलेंटेड है डांस में, खेलों में, मतलब उनको तो हल्के से एक पुशअप की जरूरत होती है बस। अगर उनके लिए एक ऐसे हॉल की सुविधा भी हमारे पास हो जाए तो बच्चे और निखर कर आएंगे, उनकी प्रतिभा और ज़्यादा निखरेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका यहाँ आने पर बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आशा करती हूँ ऐसे ही 2, 4, 10, 12 हमारे स्कूल का नाम यूं ही रोशन होता रहे, यूं ही रोशन होता रहे। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। एपी गर्ग पब्लिक स्कूल सापला रोड खरखोदा, स्पेशल नर्सरी विंग, बच्चों के झूले, छोटे बच्चों के खेलने की व्यापक व्यवस्था, आधुनिक स्मार्ट टीवी, कंप्यूटर लैब, फिजिक्स लैब, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब व हाईटेक लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफर नर्सरी टू 12th, सभी प्रकार के खेलों की सुविधा। चिल्ड्रन हॉस्पिटल सोनीपत NCR का विश्वसनीय एवं हार्टटेक OT से युक्त हॉस्पिटल आपकी सेवा में 24 घंटे उपलब्ध। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग अरोड़ा व डॉक्टर अनुपमा सेठी अरोड़ा द्वारा संचालित चिल्ड्रन हॉस्पिटल विवेकानंद चौक सोनीपत। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।